हेलो फ्रेंड्स, स्टडी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित जारवाल। आज हम बात करेंगे ट्रांजिएंट और अनस्टडी स्टेट कंडक्शन के बारे में। ठीक है, इसके पहले हमने देखा था कि स्टडी स्टेट के केस में कंडक्शन का क्या टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। अब इस केस में हम देखेंगे कि अगर हमारी बॉडी अनस्टडी स्टेट में हीट ट्रांसफ़र करती है तो उसका टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा। ठीक है, तो मान के चलें हमारे पास एक ये कोई भी एक बॉडी है जिसका मास है m, डेंसिटी है रो, वॉल्यूम है इसका v, स्पेसिफिक हीट है इसकी c और Ti इसका इनिशियल टेम्परेचर जो हमने अचीव किया है इसे फर्नेस में गर्म करके। यानी फर्नेस में इसे गर्म कर लें तो इसका टेम्परेचर आ जाएगा एक किसी इनिशियल लेवल पे Ti पे। फिर उसके बाद इसे हम सडनली एक्सपोज कर देंगे टू एम्बियंट टेम्परेचर, किसी भी एम्बियंट टेम्परेचर जो कि मान के चले हम T इनफाइनाइट है, उसमें हमने लाके इस बॉडी को रख दिया। तो अब ये कन्वेक्शन के थ्रू हीट लॉस करना शुरू कर देगी और हमारा जो सराउंडिंग फ्लूइड है जो कि जनरली हम जैसे मान लीजिए एयर मान रहे हैं तो उसका हमारा जो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र कोफिशेंट है वो है एच। ठीक है, तो टी आई हमारा इनिशियल टेम्परेचर हो गया एट टाइम टाउ इक्वल टू 0 सेकेंड। यहाँ पर टाइम को हम टाउ से डिनोट कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमने इसे एक्सपोज कर दिया एम्बियंट टेम्परेचर में, तो इसका जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो कोई टेम्परेचर टी होगा जो कि फंक्शन होगा हमारा टाउ का, यानी टाइम का फंक्शन होगा। यहाँ पे हमारा अनस्टडी केस है इसलिए हमारा जो टेम्परेचर है वो टाइम का फंक्शन है। तो अब एट एनी इंस्टेंट टाउ सेकेंड लेटर, यानी किसी भी इंस्टेंट टाउ सेकेंड लेटर पे टाउ सेकेंड के बाद हमारा जो टेम्परेचर है वो होगा टी। ठीक है, अब इसके बाद हमारी बॉडी अब हीट लूज़ कर रही है तो रेट ऑफ कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र, यानी जिस रेट से जिस कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र रेट से हमारी बॉडी हीट लूज़ करेगी उसी रेट से हमारी जो बॉडी है उसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ होगी। ठीक है, यानी रेट ऑफ कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र इक्वल टू रेट ऑफ डिक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो अब हम जब इसको फॉर्मूला लिखेंगे तो हमें मिलेगा क्यू डॉट इक्वल टू एच ए टी माइनस टी इनफाइनाइट, ये हमारा कन्वेक्शन हीट लॉस का फॉर्मूला, इक्वल टू माइनस एम सी डी टी बाई डी टाओ, ये हमारा रेट ऑफ डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। यहाँ पे हमने माइनस साइन इसलिए लगाया क्योंकि हमारी इंटरनल एनर्जी यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। और इसके बाद मास को हम लिख लेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो हमारी इक्वेशन में ये आ जाएगा माइनस रो वी सी डी टी बाई डी टाओ। अब इसे हम अरेंज करेंगे एच ए अपॉन रो वी सी इंटू डी टाओ इक्वल टू माइनस डी टी अपॉन टी माइनस टी इनफाइनाइट, और फिर उसके बाद इसे इंटीग्रेट कर देंगे टाइम वाले इसको फॉर्मूले को टाइम इक्वल टू जीरो से टाइम इक्वल टू टाउ तक, और टेम्परेचर वाले इस फॉर्मूले को टी आई से किसी टी टेम्परेचर तक, जहाँ टी आई हमारा इनिशियल टेम्परेचर है। तो ये हमें सॉल्व होके मिलेगा एच ए अपॉन रो वी सी इंटू टाओ इक्वल टू माइनस एल एन टी माइनस टी इनफाइनाइट, इसे हम इंटीग्रेट कर दिया टी आई से टी तक। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा अनस्टडी केस में टी माइनस टी इनफाइनाइट अपॉन टी आई माइनस टी इनफाइनाइट इक्वल टू ई की पावर माइनस एच ए अपॉन रो वी सी इंटू टाओ। तो ये जो इक्वेशन है ये हमारी सबसे मेन इक्वेशन है अनस्टडी केस के टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आया है, देयरफॉर द टेम्परेचर ऑफ बॉडी चेंजेस एक्सपोनेंशियली इन केस ऑफ अनस्टडी स्टेट। ठीक है, अनस्टडी स्टेट में तो यहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आया है, तो हम जब टेम्परेचर और टाइम के बीच में जब कर्व ड्रॉ करेंगे तो हमें मिलेगा कि शुरुआत में जो हमारी बॉडी है वो फास्ट रेट से, जैसे ये कूलिंग का कर्व है तो फास्ट रेट से कूल हो रही है, उसके बाद हमारी कूलिंग धीरे धीरे स्लो हो जाती है। सेम यही केस हमारा हीटिंग में होता है, जैसे हम बॉडी को हीट करेंगे तो शुरुआत में एक्सपोनेंशियली बॉडी जल्दी हीट गेन करेगी, उसके बाद हीट गेनिंग का प्रोसेस स्लो हो जाएगा धीरे धीरे और ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है,
उसके बाद एक बात आती है रेस्पॉन्स टाइम, रेस्पॉन्स टाइम की ऑफ अ टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी हमारे पास कोई भी एक टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि मान लीजिए थर्मोकपल, तो उसका रेस्पॉन्स टाइम क्या है, यानी कितनी जल्दी वो हमें रिजल्ट देगा, उसे हम देखते हैं। तो हमारे इस टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले में जो ये टर्म आई एच ए अपॉन रो वी सी, ठीक है, तो इसका जो इन्वर्स है यानी रो वी सी अपॉन एच ए, इसकी जब हम यूनिट निकालते हैं तो इसकी यूनिट आती है सेम एज यूनिट ऑफ टाइम यानी सेकंड्स, इसकी यूनिट निकल के आती है, इसलिए हम इस टर्म को यानी रो वी सी अपॉन एच ए को बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, और इसे डिनोट करते हैं टी स्टार से, यानी टी स्टार इक्वल टू रो वी सी अपॉन एच ए इक्वल टू 1 टाइम कांस्टेंट, ठीक है। तो जब हम हमारे फॉर्मूले में टाउ की वैल्यू को रखेंगे यानी टाइम की वैल्यू को, यहाँ पे हम रखेंगे टी स्टार, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा टी माइनस टी इनफाइनाइट अपॉन टी आई माइनस टी इनफाइनाइट इक्वल टू ई की पावर माइनस वन, यानी ई की पावर माइनस वन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0.368। तो यहाँ से हमें देखने को मिला कि टी माइनस टी इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू 0.368 टी आई माइनस टी इनफाइनाइट। तो टी माइनस टी इनफाइनाइट क्या है, हमारा फाइनल टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कुछ समय बाद एटमॉस्फेयर में और हमारी जो बॉडी थी उसके बीच में क्या टेम्परेचर डिफरेंस रहा, वो तो हो गया हमारा फाइनल टेम्परेचर डिफरेंस, और टी आई माइनस टी इनफाइनाइट था हमारा इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस। तो इस इक्वेशन से हमें देखने को मिला कि जो हमारा फाइनल टेम्परेचर डिफरेंस है वो 1 टाइम कांस्टेंट के बाद 0.368 टाइम्स रह गया है टी आई माइनस टी इनफाइनाइट का, यानी इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस का। देयरफोर टेम्परेचर डिफरेंस इज रिड्यूस्ड बाय 63.2%, यानी हमारा जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है वो 63.2% से रिड्यूस हो गया है इनिशियल और फाइनल का, ठीक है। तो अब इसके बाद हम देखेंगे कि फॉर थर्मोकपल द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच 63.2% ऑफ इट्स इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड सेंसिटिविटी ऑफ अ थर्मोकपल, यानी हमारा थर्मोकपल है वो इनिशियली किसी टेम्परेचर डिफरेंस पे था और जितना टाइम उसे लगेगा 63.2% ऑफ टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस को अचीव करने में, वो टेम्परेचर वो थर्मोकपल की सेंसिटिविटी होती है, यानी जितना ज़्यादा हमारा टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी यानी रो वी सी अपॉन एच ए की वैल्यू जितनी ज़्यादा कम होगी उतना ही हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो रेस्पॉन्स होगा वो फास्ट होगा, यानी जल्दी रिजल्ट हमें वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो अब ये बात हुई हमारी अनस्टडी केस के टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की। अब इस केस में हमारा जब बॉडी में कंडक्शन होगा तो वहाँ पे एक टर्म निकल के आएगी लम्प्ड हीट एनालिसिस। वो लम्प्ड हीट एनालिसिस क्या होता है ये देखे हैं हम हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू।